नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आज मैं 12 बल्कि जनपद मुख्यालय के पास केंद्र दफ्तर मौजूद हूँ। हमारे पास पीड़ित मौजूद है जो लेखपाल हैं। लेखपालों की प्रताड़ना का शिकार की लेखपाल गलत पैमाइश करते हैं। आपको दिखाना चाहता हूँ कि पीड़ित ने जो है जिलाधिकारी महोदय को पुनः जांच कराने की मांग की है। पीड़ित ने जो है IGRS के तहत शिकायत की थी और 1000 रुपया का जो है चालान जमा किया था, रात को उसे जमा किया था, जिससे कि जो है पक्की पैमाइश कराने के लिए जो है किया था, लेकिन उन्होंने गलत आख्या दे दी है। उन्होंने ये कहा है कि इनके गाटा संख्या पे जो है आबादी दर्द है 1643 पे जो है, जो 51 जो है जो रकबा है उस पर जो है आबादी दर्द है। 1000 रुपया फीस भी इन्होंने जमा की थी राजस्व कोष में, फीस भी 1000 रुपये जो है जमा किया था। तो इस तरीके से लेखपाल भूमाफिया साठ गाठ करके जो है दिखाते हैं। तो आप दिखाते हैं तो ये 1643 है, ये 1642 तालाब है, तालाब के जस्ट बगल में 1643 है। यहाँ पर जो है जमीन खाली पड़ी है, लेकिन भूमाफिया लोग जो है अवैध कब्जा करना चाहते हैं, तो इसलिए जो है मकान दे देते। पीड़ित कहना कि 40 बीघे मकान बने हैं, हमारा जो प्लाट पूरा खाली है, लेकिन जो हो निशानदेही चौहद्दी जो है पूरा करने के लिए पैमाइश करने के लिए कहा था, लेकिन पैमाइश ला करके केवल आख्या रिपोर्ट यही गलत लगा दी है कि उसमें मकान दर्ज है, मकान बने हुए हैं। इस तरीके से जो है पीड़ित ने पुनः शिकायत की है। तो मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि जो पीड़ित के साथ लेखपाल ने, जो हल्का लेखपाल है दरामनगर खेड़ागर जो है लेखपाल हैं, उन्होंने जो है किस तरीके से किया कि हम जानकारी देना चाहते हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपका नाम क्या है? विजय कुमार। आपने जो पैमाइश के लिए जो है रुपया भी जमा किया था, हाँ। तो क्या हुआ, कैसे क्या मामला किया गया है? ये हमको एक दिन फोन पर गए जी, तो कहेंगे स्कूल से बगल से, हाँ। पूरब से जी, बाद में इन्होंने पश्चिम से नाप दिया जी, एक सड़क नाप दिया, दूसरे पुलिया में उतर दिया। एक बहुत पुराना मकान बना था वो 1640 में, 1640 मकान बना था। उसने कहा हमने बैनामा कराया, ये कहें कि यहाँ है आपका मकान बना है इसमें, एक ही मकान बताया तो हमारे 4 बिस्वा ज़मीन में एक ही मकान बना है, और हम कहें और कितने मकान बने तो कहें और हम नहीं जाएँ कुछ। अच्छा, तो इसे आप कहना है कि आपका गाटा संख्या 1643 है, 1643 खाली पड़ी है, खाली पड़ी है तालाब किनारे, तालाब किनारे बगल आपकी जो की लिखा पढ़ी में जो है सिजरा नक्शा है, उसमें जो है तालाब बगल में आपकी ज़मीन है और वो खाली पड़ी है। तो दूर बता दें, जबकि जो है दूर जो है 43 में जो है मकान बना है, लेकिन यहाँ पे 40 में मकान बना लेकिन 43 बता दिया है, ये गलत आख्या लगाई है। तो इसकी शिकायत आपने क्या किया, शिकायत किया है IGRS किया था? नहीं, आज जो है क्या शिकायत किया है? हाँ किया है, जिलाधिकारी महोदय शिकायत किया है, अधिकारी को दिया। तो जिलाधिकारी महोदय क्या आश्वासन दिया है, जो शिक्षक से मिले थे? हमने एप्लीकेशन ले लिया, हाँ, बस हम चले आए। अच्छा, यही कहा कि जाके कि इसकी कार्रवाई की जाएगी, हाँ ये कहा है, हाँ। अच्छा, जो आज 21 तारीख को जो है IGRS वाले शिकायत की है और हाथों हाथ शिकायत दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया कि जाकर के कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हमेशा भूमाफिया पर जो है बुलडोजर चलता है, भूमाफिया पर अंकुश लगाया जाता है, लेकिन देखने वाली बात यही होती है कि लेखपाल की मिली भगत से, राजस्व कर्मचारी की मिली भगत से जो है भूमाफिया के हौसले बुलंद हैं। अभी हाल ही में 5000 रुपया रिश्वत लेते हुए एक लेखपाल पकड़ा भी गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है भूमाफियाओं से रिश्वत खोरी करके जो है गलत रिपोर्ट लगाते हैं। अब देखना यही है कि खबर को संज्ञान में लेकर के जिलाधिकारी महोदय क्या ठोस कार्रवाई करते हैं, जिससे पीड़ित को गाटा संख्या खाली पड़ा है 1643, उस पर कोई कब्जा नहीं, लेकिन भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन लेखपाल भी मिली भगत के गलत रिपोर्ट लगाते हैं कि इस पर मकान पहले से दर्ज है, मकान बने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई सक्षम अधिकारी या कोई जाँच एजेंसी से इसको जाँच की जाए। 12 बंकी जनपद मुख्यालय से करीब करीब 4 ही किलोमीटर दूर बड़े है, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है, दरामनगर बड़े 4 ही किलोमीटर दूर है, कभी भी जांच की जा सकती, मौके पर जो है प्लाट खाली पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है भूमि आवश्यक मिलकर के लेखपाल गलत रिपोर्ट लगाते हैं, शिक्षा अधिकारियों को जिलाधिकारी महोदय को भी गुमराह करने का काम करते हैं। अब देखना है कि भ्रष्ट लेखपाल के ऊपर जो है शासन प्रशासन क्या ठोस कार्रवाई करता है, जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, वीडियो जर्नलिस्ट आर्य सर्वे के साथ 12 बंकी।